दोस्तों 45 डिग्री ऑफसेट बनाना बहुत आसान है, इसीलिए आदमी लोग को अपना लेते हैं 45 डिग्री बनाना, लेकिन वो केबल जाने के लिए सही नहीं होता है। तो मैं एक जगह क्या है कि वो 45 डिग्री किया गया था, उसमें हमारा 240 300 का केबल नहीं आने वाला है, जो कि बैठेगा नहीं बराबर से। और वो जगह क्या है कि ट्रे अपना रास्ता में, केबल अपना रास्ता में इसी तरह से जाएगा, इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको तोड़ के हम उसको थोड़ा सा लेंथ ऑफसेट बनाएंगे। मैं स्पेशली ऑफसेट के बारे में बहुत सारे वीडियो छोड़ा है, जो कि रेंडम ऑफसेट आप बना सकते हो, वो टेक्निक मतलब आजमा के। ओके फ्रेंड्स, तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों मेरे पीछे साइड में ये जो ऑफसेट देख रहे हैं, ये कुछ 200x200 का उन्होंने बनाया था, लेकिन ये इसमें पतला केबल जा सकता है, मोटा केबल के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ा करेगा, जो कि बराबर ये कॉर्नर में बैठेगा नहीं, खाली एक कॉर्नर से डायरेक्ट इधर पहुंच जाएगा, कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। मेरा फ्रंट साइड में एक दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, ये जो ऑफसाइड बनाया हम कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन इसका एक सही फार्मूला जो कि मैं आजमाता हूँ, वो आप भी आजमाएंगे तो आपका भी आसान से ये जो भी कटिंग बराबर मेजरमेंट मिल जाएगा, ये भी कटिंग से ये भी कटिंग का दूरी कितना में तय करना वो भी मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा फॉलो कीजिए। और ऑफसाइड के जगह देखिए, इधर कुछ 50 का केबल से तो ये 50 का केबल भी बराबर से बैठता नहीं है। ओके 570 80 ए पट रहा तलाटा सेवन सेवेंटी फाइव सेवेंटी एट एटा এইটা কেতে 700 770 আউ এই এমতি লম্বা। তো দোস্ত ক্যা হে কি ইয়াহা সে আমার যো এ পারফোরেটেড ট্রে উধর এক গয়া হে ইয়ে হো গয়া 920 ঠিক হে 920 হে তো হাম কুছু ইধর সে 50 mm ছোড়েঙ্গে। और इधर से ये जो पीस पहले आया हुआ है, इसको हम 100 mm रखेंगे इसमें जॉइंट करने के लिए। ओके, और जो ट्रे को हम ऑफसाइड बनाएंगे कुछ 50 mm उसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 150 होता है, यहाँ पर 50, टोटल 200 हमको माइनस करना है। 200 माइनस करने के बाद 720 से 570 80 माइनस करना है, 78 माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ पर होता है कुछ 2 बचते हैं, इधर 6 है, 6 नहीं जाएगा, यहाँ पर आ गया तो 16 हो गया, 16 से 7 जाएगा तो कुछ 9 बचता है शायद, यहाँ पर था 192। ओके 192 बाई 720 का एक ऑफसाइड बनाएंगे। तो मेजरमेंट हम लेंगे पहले। तो दोस्तों हम 720 बाई 192 का एक फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाने के लिए आपको कुछ भी, जस्ट एक कॉर्नर राइट एंगल होना चाहिए, वो जगह आपको चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 770 ले लिया, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं 720 में ले लिया, यहाँ पर 192 लिया। ये थोड़ा अंदाज में आप देख सकते हैं 192 लिया, ठीक है। ये 192 लिया, अभी बात आता है क्या है कि ये जगह में हम वो जो 192 और 720 ये जगह को हमने क्या किया, इसमें इसमें एक मार्किंग लगा ले। ओके ये जगह में रख के
ऐसे कि मार्किंग लगा लिया, कितना ये 100 लिया, यहाँ भी 100 ले लिया, कहाँ से यहाँ से ये कॉर्नर से 100 यहाँ लिया, कॉर्नर से 100 यहाँ पर लिया। ये 100 क्यों लिया, क्योंकि हमको ये 100 का ये 100 का ऑफसाइड करना है। अगर ये हम करता तो ये 75 है, 75 के लिए अलग फार्मूला, ठीक है। खाली ये जगह में अगर आपका 75 का है तो ये जगह में 75 ले लीजिए, अगर आपका 50 है 50 ले लीजिए, ठीक है। बाकी से भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको, जैसे जितना हाइट और लेंथ मेजरमेंट करने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। अभी बात आता है उसका वी कटिंग कितना एमएम का, जो कि यहाँ पर हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है 22 बोल के, ओके। मैं थोड़ा मेजरमेंट भी आपको कंफर्म कर देता हूँ, ओके ये 22 हो गया, ये 22 एमएम होता है दोनों भी कट का, ठीक है। ये ऊपर वाला जो नीचे तरफ कटिंग होगा, सॉरी ऊपर वाला नीचे तरफ कटिंग होगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ भी से कटिंग होगा, तो दोनों का 22 रहेगा। लेकिन सेकंड भी जो है उसका बीच का मेजरमेंट क्या है यहाँ पर पता लगेगा हमको, यहाँ से यहाँ को जो 745 हो रहा है, ठीक है 4 हो रहा है, लेकिन हम 45 करेंगे। अभी ये सब ही भूल जाना चाहिए, ठीक है। हमको नीचे वाला साइड ऐसे 720 ऐसे 192, ये जो भी कटिंग होता है भी होगा ये 22 mm होगा, और जो यहाँ का लेंथ वो कितना हुआ, ये हो गया 745, ठीक है। ये दोनों हमको अभी चाहिए, ये दोनों में हमारा ए साइज का बन जाएगा, ओके। इसी तरह से आप भी फॉलो कीजिए, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका एक्यूरेट हो जाएगा। ये आपका जब 720 का जगह 1000 है तो आप ये लेंथ को 1000 कर दीजिए, करने के बाद ये मेजरमेंट कीजिए, ऐसे मार्किंग कीजिए, मार्किंग करने के बाद वो भी मेजरमेंट कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 745 लिया, ये जो साइड से देख सकते हैं, ये साइड से इसका सेंटर, किसी का भी इसका साइड करेंगे तो उसका सेंटर, अभी हम उसका साइड किया तो इसका सेंटर से लिया है 745। और ये एक बी मार्किंग होगा जो कि सेंटर देख सकते हैं सेंटर, क्योंकि ये निशान में आपके लिए सिर्फ लगा लिया, ये 22 mm है, ये 11, ये 11 mm। अभी हम बी कट करके आपको दिखाते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से ये वाला नीचे को है, ये वाला ऊपर की तरफ से हमने बी बना लिया है। तो दोस्तों ये साइड का भी हम पलटी करके मार्किंग कर लिया, ओके। सेम ये जैसा बी कटिंग है ठीक है, उसी प्रकार से ये भी बी कटिंग हो जाएगा, ये नीचे तरफ है तो ये नीचे तरफ भी होगा। इसको हमको पूरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पर बैंड देख सकते हैं ये ऐसा टाइप का होगा, तो हमको ऑफसाइड करने के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, ऐसा टाइप में पूरा हटाना पड़ेगा, ओके।
अगर इसको रखेंगे आपका जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं होगा, इसीलिए हम पूरा हटा देंगे आपस में, बाद में वेल्डिंग कर लेंगे। ओके, ये हम कंप्लीट कर लिया है और इसको हम वेल्डिंग के मदद से जॉइंट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें जॉइंट थ्रेड लगा के भी लगा सकते हैं। हमको चाहिए था 192, यहाँ पर देख सकते हैं 190 हुआ है। भले ही थोड़ा सा ग्राइंडिंग करना पड़ा लेकिन एक्यूरेट हमने कर लिया है। ये थोड़ा पास में आ जाओ, ये 190 दिखाना चाहिए, और थोड़ा पास में जाओ, इधर 90 इधर नीचे की तरफ देख सकते हो, ये 200 है, ये 190 है। थोड़ा फेस को देखा तो इसी तरह से ये थोड़ा क्या है कि लॉन्ग वाला ऑफसेट हो गया, क्योंकि 45 डिग्री होगा तो केबल बिल्कुल भी बैठेगा नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा ट्रे बनाने के लिए अच्छा है, जो टेक्नीशियन बनाता होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन केबल के लिए 100% एक्यूरेट है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ उसी प्रकार का हो गया है, जो कि यहाँ पर हमने ऑफसाइड लाके मिलाया, इधर से इधर इतना लेंथ वाला बना दिया, क्योंकि ये पहले अर्धा तक था। ओके, वो और ये और कुछ काम इसका बाकी रह गया है, ये जॉइंट करना, वो सभी काल करेंगे। और जो टाइम ख़त्म हो चुका है और अर्थिंग का भी लिंक करना है। तो दोस्तों पहला काम और आखिरी में जो काम हुआ उसमें क्या अंतर है आप थोड़ा कमेंट में बताना। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर लेना, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, क्योंकि ज़्यादातर हम ट्रेड रंकिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे और एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।